जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने सरकार और न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की है। आईपीएल 2018 का 16वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। किंग्स इलेवन पंजाब ने जीता टॉस, सनराइजर्स की टीम पहले करेगी गेंदबाजी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक संजय पाटिल ने कहा, यहां चुनाव सड़क, पानी और अन्य मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि हिंदू बनाम मुस्लिम, राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद है। मुंबई में कठुआ उन्नाव गैंगरेप मामले में विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की महिला से छेड़छाड़। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिल्म रिवॉल्वर रानी की एक्ट्रेस मल्लिका राजपूत ने छोड़ी बीजेपी, कहा, पार्टी में सुरक्षित नहीं, इज्जत का खतरा लगता है। यौन शोषण के खिलाफ मजबूत कदम उठाते हुए मेनका गांधी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कहा है, यौन शोषण के खिलाफ पुलिस अफसर को बनाएं संवेदनशील। सहारा सेवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा, एमबी वैली प्रोजेक्ट को बेचकर चुकाए पैसा। कठुआ गैंगरेप आरोपियों के वकील द्वारा इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए जाने पर महिला डीएसपी ने कहा, दुख होता है ऐसा बयान सुनकर। बिहार के गया में शादी में खाना खाने से बच्चे समेत 50 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। कठुआ गैंगरेप केस पर अमिताभ बच्चन ने दी प्रतिक्रिया, कहा, घटना पर घिन आती है, इसके बारे में बात करना भी डरावना।